नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा चिरकुंडा कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन की एक विशेष बैठक मंगलवार को एसोसिएशन के कापासारा स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्र के तमाम कोयला डीओ धारक मौजूद रहे। बैठक में सभी डीओ होल्डर काफी आक्रोशित दिखे और सीधे सीधे ECL मैनेजमेंट के सेल्स विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बहुत बड़े घोटाले की बात कही। डीओ धारकों ने बताया कि कागज कलम में ECL के मुकमा क्षेत्र के सभी कोलियरियों में काफी कोयला भरा पड़ा है, जिसके चलते वह हर महीने हजारों टन कोयला का डीओ का ऑफर देते हैं, पर जैसे ही डीओ धारक बैंक से पैसे लेकर डीओ लगाते हैं और लाखों रुपए अपना ECL प्रबंधन को पूर्व में ही भुगतान करते हैं, पर जब वह कोलेरी पहुंचते हैं अपने डीओ का कोयला लेने तो वहां उनको कोयला नहीं मिल पाता है। कारण यह बताया जाता है कि उक्त कोलेरी में उच्च श्रेणी का कोयला ही नहीं है, अगर है भी तो काफी निम्न स्तर का कोयला है जिसे डीओ धारक नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने उस कोलेरी में उच्च श्रेणी के कोयले की बुकिंग की है। मुकमा क्षेत्र अंतर्गत हर कोलेरी में लगभग 10,000 से 25,000 टन कोयले का ऑफर प्रति माह डीओ धारकों को दिया जाता है, पर महज 800 टन से 1,000 टन कोयला ही प्रतिमाह उठा हो पाता है, जिससे डीओ धारकों का पैसा ECL प्रबंधन के पास रुका रह जाता है और कोयले का उठाव नहीं करने की स्थिति में इन्हें डीओ धारकों से 520 रुपए प्रति टन की कटौती भी की जाती है, जिससे डीओ धारकों को काफी नुकसान होता है। सभी ने एक स्वर से कहा कि अति शीघ्र उनके बकाए पैसे को ब्याज सहित वापस नहीं किया गया तथा जो गाड़ियां कोयला उठाव के लिए कोलेरी पहुंचती है वह 8 से 10 दिन में लोड होती है, जिसका प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से अतिरिक्त भुगतान भी करना पड़ता है। इन सब अतिरिक्त खर्च का भुगतान ECL प्रबंधन नहीं करता है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे और इस मामले को ECL के उच्च अधिकारी, कोयला मंत्रालय तथा जरूरत पड़ी तो CBI और ED के पास भी जाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। व्यवस्था है जो मैनेजमेंट है, जो ECL का GM, सेल्स मैनेजर जितना लोग है मुकमा एरिया का, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ पेन पेपर में तो बहुत कोयला है, लेकिन हम लोग डीओ लगाए हैं स्टीम कोयला का डीओ लगाए हैं और यहाँ फार्किल और मिट्टी पत्थर बिटोर के रख के ऊपर से ढक दिया जाता है और नापी करा दिया जाता है और उसके चलते ऑफर पर ऑफर जा रहा है। जैसे हमारे भाई लोग बतेबे किए कि कापासारा में 25,000 टन अप्रैल में ऑफर था, जिसमें 854 टन माल उठा है। अभी जो ऑफर है 10,000 टन का मई का, उसमें 1,000 के लगभग माल उठा है। अप्रैल में ऑफर था ठीक है चापापुर का 10,000 टन, जिसमें 854 टन माल उठा है। उसी तरह का हाल आपका निरसा कोयलरी में भी है। तो हम लोग सब जगह दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग का बैंक का पैसा का ब्याज लग रहा है, माल भाई मिट्टी में चल जा रहा है, तीन तीन चार चार महीना पाँच पाँच महीना रह जा रहा है और उसमें 520 रुपया टन काट के पैसा रिफंड होता है। तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोग का महीना में जो जिस तरह का डीओ लगाता है, जैसे हम लोग जैसे आदमी को तो महीना का 10 लाख 15 लाख रुपया भी नुकसान है, 20 लाख रुपया नुकसान है। आप लोगों का मूलतः मांग क्या है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को जब कोयला नहीं दिया जाता है तो हम लोग का पैसा जो बैंक से CC है उसका ब्याज ECL दे और ECL ये जिम्मा ले कि हाँ हम ये पैसा का ब्याज देंगे। जो गाड़ी हम लोग का मार खा रहा है, डिटेंशन दे रहे हैं, मालिक को डिटेंशन देना पड़ता है पर प्रतिदिन 1,000 रुपये के हिसाब से 10 दिन 8 दिन 12 दिन में गाड़ी निकला हुआ है, उसका पैसा ECL भर पाया करे, हम क्यों नुकसान बर्दाश्त करेंगे। हमने ECL ऑफर दिया, हमने डीओ भरा, अब भर पता चल रहा है कि कोयले नहीं, तो हम लोग का दोष क्या है? मतलब आप मानते कि कहने का बहुत बड़ी घोटाला है और अगर यहाँ तक नहीं सुना गया जैसे CBO आपका DT सब CMD सबको दिए हुए हैं चिट्ठी, अगर नहीं होगा तो कोल मंत्रालय से लेके CBI से लेके ED तक ले सब जगह हम लोग जाएंगे, अपने मिलेंगे और मिल के अपना बात भी रखेंगे और उनको एप्लीकेशन भी देंगे कि हम लोग को नुकसान के कैसे बचाया जाएगा। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।